हेलो बच्चों आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है बेसिक जोमेटिकल आइडियाज़ इस चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर के एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझना होगा जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास कुछ डेफिनेशन अपने पास जैसे लाइन सेगमेंट है पॉइंट है रे है पहले लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है उनकी डिटेल से हम एक एक डेफिनेशन देख के और फिर आगे की ओर मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज करेंगे फिर फोर पॉइंट वन यहां से चैप्टर नंबर फोर की शुरुआत होती है सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम पॉइंट की सबसे पहले अपने पास पॉइंट ए डॉट इन एग्जैक्ट लोकेशन जो अपने को एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई उसे हम क्या कहेंगे पॉइंट कहते हैं जो अपने पास एक ही पॉइंट है ये अपने को एक लोकेशन दिखा रहा यहां पे कोई पॉइंट बनाएंगे वो भी अपने को एक लोकेशन दिखाएगा इसके बाद अपने पास लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है ए लाइन सेगमेंट दैट हैज टू एंड पॉइंट इज एकोर्ड लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उन्हें जब आपस में बिलाएंगे स्केल के द्वारा तो उसे लाइन सेगमेंट कहेंगे इसे लाइन सेगमेंट को हम मेजर भी कर सकते हैं स्केल के द्वारा इसके दो एंड पॉइंट फिक्स होंगे दोनों इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ेंगे इसका एंड पॉइंट एक या है एक ही एंड पॉइंट ये फाइव सेंटीमीटर की हो सकती है टेन सेंटीमीटर की हो सकती है इससे ज्यादा भी हो सकती है तो इसे हम स्केल के द्वारा मेजर किया जा सकता है उसे कहेंगे लाइन 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 सेगमेंट इसके बाद अपने पास ए ए विथ विथ वन एंड एंड पॉइंट पॉइंट जिसका एक ही हो जैसे अपने पास यहाँ पे ये एंड पॉइंट है और ये एक साइड अपने पास एक्सटेंड हो रही है अच्छा लाइन सेगमेंट से ही रे बनता है इसका वन एंड पॉइंट यहाँ पे एज इट इज रखते हैं और वन दूसरा जो पॉइंट है उसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं तो उसे हम कहेंगे रे तो ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज अकॉल्ड रे होता है इसके बाद लाइन की डेफिनेशन देखते हैं लाइन को हम बोलते हैं ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट एंड इट गोज़ इन बोथ दी डायरेक्शन लाइन के डेफिनेशन का मतलब है लाइन सेगमेंट के जितने भी दोनों पॉइंट थे अपने पास ये दोनों पॉइंट थे इन दोनों को हमने एक्सटेंड कर दिया हमें अब ये पता नहीं कि ये कहाँ तक जाएंगे तो ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं तो इनका ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगी तो उन्हें कहेंगे हम लाइन तो ऐसी डेफिनेशन ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते जैसे लाइन सेगमेंट में थे वैसे इसके एंड पॉइंट नहीं होंगे एंड इट गोज इन बोथ द डायरेक्शन और ये दोनों डायरेक्शन के अंदर चलेगा जैसे रे वन डायरेक्शन के अंदर चल रहा था और लाइन दोनों डायरेक्शन की ओर चलेंगे इधर भी चलेगी इधर साइड में भी चलेगी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में चलेगी अच्छा ऊपर नीचे भी चल सकती है दोनों डायरेक्शन में अब अपने पास पैरेलल लाइन पैरल लाइन का मतलब है टू और मोर लाइन इन द सेम प्लेन दो अपने पास कोई लाइन होगी और वो सेम प्लेन में होंगी प्लेन का मतलब होता है तल में दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कोल्ड पहले लाइन और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इंटरसेकट का मतलब होता है काटना एक दूसरे को काटेंगे. तो ये डू नाट बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं काटेंगे. ऐसी दो लाइन एक दूसरे के समांतर चलेंगी पैलर चलेंगी और ये एक दूसरे को काटेंगी भी नहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उन्हें हम कहेंगे पहले लाइन और ये हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगी दोनों एक्स एक्स डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक्स एक्स में ये वाई वाई में चल रही हैं तो वाई वाई में दोनों जेड में चल रही हैं लेकिन इनके बीच में कभी नहीं मिलेंगी अगर नहीं मिलें तो वो होंगी पैरलर लाइन और देखो सेम प्लेन प्लेन का मतलब होता तल तो एक ही तल में चल रही हैं दोनों ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं ये दोनों कहीं नहीं मिलेगी इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा उसे ही हम कहेंगे पैरलर लाइन जो दोनों डायग्राम दे रखे हैं आपको परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल आर परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो अपने पास यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्ट करते ही यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा तब तो वह परपेंडिकुलर ने था नहीं है कोई भी अपने पास एक जैसे ये यहाँ पे एक लाइन सीधी अपने पास स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक ऐसे 90 डिग्री का हम एक एंगल बना दें तब ये क्या है कोई परपेंडिकुलर है ये भी यहाँ पे हम अगर मैं पेन से शो करूँ तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर मैं ऐसे शो करूँ तो ये भी एक इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है ये तो इसमें एक कंडीशन होती है कि राइट right एंगल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो राइट एंगल बनेगा वो परपेंडिकुलर लाइन कह और साथ में इंटरसेक्ट भी करना चाहिए तो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग कर रहा है एट राइट एंगल राइट एंगल बना रहा है इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन अब एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन का पहला क्वेश्चन अपने पास यूज़ दी फिगर टू नेम अपने को ये फिगर देख किसके नेम बताने जिसमें फाइव पॉइंट बताने हैं ए लाइन फोर रे फाइव लाइन सेगमेंट तो सबसे पहले फाइव पॉइंट अपने को इसमें से कौन से वो फाइव पॉइंट हैं इनका नाम लिखना अपने को जैसे वो डी ई ओ बी और ये सी ये सभी क्या हैं अपने पास कोई पॉइंट हैं तो उनका अपने को नाम लिखना है तो पहला क्वेश्चन अपने पास यूज द फिगर टू नेम फाइव पॉइंट अपने पास यहाँ पे कौन से हैं वो फाइव पॉइंट जैसे डी ई ओ बी ये सभी ये पॉइंट है पॉइंट को डिनोट करते हैं वो सभी इसके क्या हो जाएंगे पॉइंट हो जाएंगी डी भी एक पॉइंट है ई e भी एक पॉइंट है ओ बी सी ये भी एक पॉइंट है तो आंसर पहले का पॉइंट अपने पास डी ई ओ बी और सी ये फाइव पॉइंट हो गए अपने पास अब सेकंड है इसमें बी वाला पार्ट ए लाइन ए लाइन इसमें लाइन है अपने पास लाइन कौन सी होती है लाइन के लिए हमने डेफिनेशन देखी थी पीछे लाइन देखो लाइन के लिए अपने पास डेफिनेशन जो दोनों ओर साइड चल रही जो दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को ये अपने पास लाइन सेगमेंट थी और दोनों ओर जो एक्सटेंड होती है उसे लाइन सेगमेंट कटें देखो दोनों साइड चले गए अपनी दोनों डायरेक्शन में वो होती है लाइन तो इसमें देख के अपने को फिगर में देख के बताना लाइन कौन सी है तो ए लाइन अपने पास ये रही यहाँ से यहाँ दोनों साइड देखो ये एक्सटेंड हो रही चल रही है ना तो यहाँ से हम बता सकते हैं ये डी e, ई ये भी एक पॉइंट है यहाँ ऐसे चल रही है डी ओ भी अपने पास एक लेफ्ट चल रही है एक राइट right साइड में चल रही है डी बी बोल सकते हैं या फिर बी ओ बोल सकते हैं बी ई या बी डी ये सभी क्या हो जाएंगे अपने पास एक लाइन हो जाएंगी तो यहां पे लिखेंगे आंसर डी ई डी ई डी बी और इनके ऊपर लाइन का ही साइन बनाएंगे हम लाइन ऐसे होती है दोनों साइड चलती है तो लाइन का साइन डी बी ओ ओ बी बी ई ऐसे और बहुत सारे नाम लिख सकते हैं इसके बहुत सारे नाम और भी लिख सकते हैं जितने भी नाम बनेंगे डी ई डी ओ डी बी ऐसे ई e से स्टार्ट करके देख लेंगे ई ओ ई बी फिर ओ से कर लेंगे ओ बी फिर वापस रिवर्स आ जाएंगे बी ओ बी ई बी डी फिर ओ से ओ ई ओ डी ई डी कोई भी चार पांच नाम लिख सकते हो आप अब इसका सी पार्ट दे रखा फोर रे अपने को फोर रे बताना है रे का मतलब क्या होता है जो वन डायरेक्शन की ओर चले कोई भी एक साइड देखो रे में अपनी डेफिनेशन देखी थी ए लाइन विच वन एंड पॉइंट इज ए कोर्ड वन एंड पॉइंट है और एक साइड अपने पास ये डायरेक्शन को शो करेगी एक साइड चलेगी तो वन साइड देखो ये अपने पास ये एक रे है यहाँ से भी अपने पास ये एक रे है यहाँ से इस पॉइंट से देखें तो ये भी ये रे है क्योंकि एक एंड पॉइंट ये रहा अपने पास यहाँ से और इधर साइड में वन डायरेक्शन शो करेगा ई से देखें तब भी डी से देखें तब भी एक ये कि हमें रे शो करेगा या फिर वापस इस साइड में देखें तो ओ बी से शो करेगा ई बी से शो करेगा डी बी से शो करेगा कोई भी चार पांच नाम लिख सकते हो आप तो हम लिखते हैं जैसे आंसर फोर रेज हो गई अपने पास डी ई लिख सकते हो और इसका साइन लगेगा वन साइड की तरफ डी ओ डी बी और ओ डी ओ डी लिख दिया हमने या ई डी भी लिख सकते हो आप इसमें अपने पास एक पॉइंट एंड है और वन साइड ये चल रही है तो वो हो गए अपने पास रे फोर लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट बहुत आसान है लाइन सेगमेंट ये और यहाँ से ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट हो डी ओ भी एक एंड पॉइंट है ये पॉइंट है और इधर ये पॉइंट है ऐसे अपने पास ओ बी ले सकते हो बी ओ ले सकते हो ओ ई ले सकते हो ओ डी ले, ले सकते हो ये अपने पास क्या हो जाएंगी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट हो यहाँ से वन पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये दोनों एंड पॉइंट हैं इसके तो वो हो जाएंगे अपने पास लाइन सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट को कैसे लिखेंगे जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी ई अच्छा लाइन सेगमेंट को एक लाइन से शो करेंगे ऐसे डी ई डी ओ जैसे डी बी हो गया ई -ओ -ओ हो गया और भी बहुत सारे नाम लिख सकते हो ई बी हो गया ई बी ई बी के बाद हम ओ बी भी बोल सकते हैं ओ बी ये सभी एक एंड पॉइंट है तो ये अपने पास फाइव लाइन सेगमेंट लिख दिया इसमें फोर फाइव की आवश्यकता थी एक एक्स्ट्रा हो लिख दिया हमने अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास गिवन है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल ट्वेल्व वेज चूजिंग ओनली टू लेटर ए टे टाइम फ्रॉम दी फोर गिवन अपने पास एक डायग्राम दे रखा है इसमें एक बार में अपने को टू लेटर ही लेने हैं फोर अपने पास इसमें गिवन पॉइंट है और अपने को लाइन पॉसिबल दिखानी है ट्वेल्व कौन सी कौन सी लाइन होती है अपने पास जैसे ए से बी हो गए एक नाम ये हो गया इस बी से सी हो गया सी से डी ऐसे अपने को ट्वेल्व वेव्स बतानी है अपने को तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिर ये अपने पास यहाँ से आंसर इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे ए से पॉइंट देखते हैं ए और बी यहाँ से ए सी लेंगे फिर ए से डी लेंगे एक बार अपने पास दो ही पॉइंट लेनी है एक बार में तो ए से बी तक तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी इसके बाद लिखेंगे ए सी इसके बाद ए डी थ्री पॉइंट आगे अपने पास बी सी से स्टार्ट होते हैं बी सी बी से फिर बी डी आप ए इधर आ जाएंगे अपने पास लेफ्ट साइड में तो बी ए आप सी पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं सी से सी डी ये सी डी हो गया अपने पास अब सी से ए की तरफ तो सी ए आप सी बी अब अपने पास बचा डी तो डी सी डी बी डी ए अपने पास क्या थी लाइन तो लाइन का साइन बना देंगे इनके ऊपर ऐसे लाइन बना देंगे ऐसे अपने को सभी पे लाइन का साइन बनाना जरूरी है ये शो करेंगे लाइन को जो दोनों और एक्सटेंड हो सकते हैं उसे हम लाइन बोलते हैं और इनके बीच में कोमा अब देखो कितने पॉइंट हो गए अपने को ट्वेल्व बनाने थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व अपने पास टोटल ट्वेल्व हो गए ये अपना इसका फाइनल आंसर अब क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री अपने पास गिवन है यूज दी फिगर टू नेम ये अपने पास फिगर दे रखा है इसमें अपने पास फोर पॉइंट दे रखे हैं इसको वन बाई वन सॉल्व करते हैं हम पहला पॉइंट इसमें लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए कंटेनिंग का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ पे आके मिलना मिलना बोल सकते हैं युक्त या रुकना तो इस लाइन पे ई e पॉइंट पे कौन सी कौन सी लाइनें आ रही हैं अपने पास तो एक तो देखो अपने पास ये आ रही ए ई e वाली लाइन और एक लाइन अपने पास ये ये वाली तो अलग ही अपने पास तो ये लाइन एक ये मिल रही हो और ये लाइन मिल रही है इन्हीं का नाम लिखना अपने को इनका नेम लिखते हैं तो इसके हो जाएंगे अपने पास पहले लिखेंगे ए लाइन ये ये अपने पास एज इट इज कंटेनिंग ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट पॉइंट ई इक्वल टू वो पॉइंट कौन से अपने पास एक तो हो गया ए ई ए ई और लाइन है तो अपने पास ऊपर साइन लगेगा लाइन का इसके बाद हो गया अपने पास ए ई e हो गया ऐसे हम बोल सकते हैं बी डी बी और ई भी बोल सकते हैं डी ई भी बोल सकते हैं ये सभी पॉइंट बना सकते हैं ए के लिए तो हमने ए ई बोल दिया और यहाँ से अपने पास ये भी अपने पास यहीं आ रहे हैं और एक बोल सकते हैं हम ई एफ तो एक हो गया अपने पास एफ ई एफ ई पॉइंट पे कौन कौन को आके मिल रहा है ए ई -E और एफ ई -E. अगर हम इसे डी ई लिखेंगे ई एफ लिखेंगे तब भी अपने पास सही है डी ई और ई एफ लिखेंगे तब भी अपने पास सही है ये डी ई और या एफ ई जो भी है अब इसका बी पार्ट अपने पार। पास लाइन पासिंग थ्रो ए कोई लाइन है जो पासिंग हो रही है अपने पास पॉइंट ए से उसके अपने पास नेम लिखने हैं इस पॉइंट से अपने पास लाइन पास हो रही है तो देखो ये लाइन अपने पास पास हो रही है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे सेम ए लाइन येज इट इज आ जाएगा लाइन अपने पास ए लाइन पासिंग थ्रो तो इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अपने पास ए ई ए, ए और यहाँ पे लाइन दे रखा तो अपने पास लाइन का ही साइन आएगा अपने पास ए ई इसके बाद अपने पास ए डी हो जाएगा अच्छा आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो आप ए डी अब हम लिख सकते हैं बी डी डी ई लिख सकते हैं ये सभी क्या पॉइंट हैं जितने भी पॉइंट हैं ये ए से क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं अपने पास तो इनका नाम ए बी लिख सकते हैं ए डी लिख सकते हैं ए ई लिख सकते हैं या डी बी ये लाइन भी पास हो रही है डी ई लिख सकते हैं ई बी लिख सकते हैं ये सभी लाइनें इससे पास हो रही हैं कोई भी अपने पास तीन चार पॉइंट लिख दो तो आप इसके बाद लाइन ऑन विच ओ लाइज इसका मतलब ओ कहाँ पे लाइज कर रहा अपने पास लाई कर रहा है तो अपने पास देखो ये है अपने पास पॉइंट तो इसको कैसे लिख सकते हैं सी ओ लिख सकते हैं या फिर ओ सी इस लाइन में तो ओ नहीं है अपने पास तो इसी लाइन में है, तो ओ यहाँ पे लाई कर रहा है बीच में तो इसे लिख देंगे हम ए लाइन ऑन विच ओ लाई कहाँ कर अपने पास सी ओ और लाइन का साइन अपने पास या ओ सी एक बार सी ओ लिख दो या फिर ओ सी लिख दो ये सही है अपने पास अब इसका डी पॉइंट है अपने पास टू पेयर्स ऑफ ए इंटरसेक्टिंग लाइन टू पेयर ऐसे दो पेयर बताओ जिसमें अपने पास इंटरसेक्टिंग करता हो जो एक दूसरे को काटती हो इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काटना तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक तो अपने पास बी वाला है और एक अपने पास ई e वाला है तो इस पॉइंट को हम नहीं लिखना होगा तो हम लिखेंगे सबसे पहले एड डी डी ये इस पॉइंट को और यहाँ से लिख देंगे एक नाम सी ओ लिख सकते हैं या सी बी लिख सकते हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं काट रही हैं तो एड डी एक तो एड डी हो गया और एड डी के साथ क्या लिखना होगा हमें सी ओ एक पेड़ तो ये हो गया अपने पास अपने को लिखनी है टू पेयर पेयर का मतलब है दो चीज़ों का एक साथ आना वन टू टू पॉइंट आ गए तो एक पेयर बन गया अपने पास अब अपने पास एक पेयर सेकंड पेयर हम लिखेंगे डी ई -E. ये डी ई -E. और यहाँ से लिख देंगे एफ ई एफ और ई ये भी अपने पास एक पेयर बन गया दो ही पेयर लिखने हैं अपने पास दो पेयर हो गए अपने पास एक तो हो गया अपने पास ए डी तो और एक होगा सी ओ सेकेंड पेयर हो गया, हो गया पास, DE अपने पास डी ई और ए पी क्योंकि ये पॉइंट अपने पास इंटरसेक्टिंग और एक ये इंटरसेक्ट जो इस लाइन को काट रहा है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग कोई भी ऐसा साइन आ जाए उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग इसका मतलब काटना तो एक डी पॉइंट अब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इसमें अपने पास गिवन है हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट अपने पास वन गिवन पॉइंट बी वाला टू गिवन पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा अपने पास है कि वन पॉइंट से अपने पास कितनी लाइनें पास हो सकती हैं और सेकंड वाला है टू लाइन से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं ये अपने को डिफाइन करना है इसमें तो क्वेश्चन नंबर फोर का पहला पार्ट देखते हैं हम इसमें दे रखा वन गिवन पॉइंट ए वाला पार्ट इसका आंसर यहाँ लिखते हैं हम कि वन पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं तो अपने पास देखो यहाँ से मैं कोई पॉइंट बनाता हूँ वन अब यहाँ से अपने पास कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं ये लाइन ऐसे पास हो सकती है जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको ये वन लाइन अब यह लाइन ऐसे पास हो सकती है ये लाइन ऐसे भी पास हो सकती है यह ऐसे भी पास हो सकती है, हो सकती है।, हो सकती है। कहने का अर्थ है बच्चों ये लाइन कितनी भी पॉइंट से कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं इस पॉइंट से देखो इनफाइनाइट बन सकती हैं अपने पास ऐसे इस पॉइंट से देखो कितनी लाइनें बन सकती हैं और भी लाइनें बन सकती हैं इसमें इसके बीच में तो अपने पास कितनी लाइनें बनेंगी वन पॉइंट से इनफाइनाइट तो यहां पे लिख देंगे इनफाइनाइट 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 लाइन बन सेंगी इसमें क्योंकि एक पॉइंट से अपने पास देखो यहाँ पे कितनी लाइनें बनी है ये लाइन है भी सभी पे अपने को ऐसे लाइन का साइन बनाना है लाइन का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में चलेगा अपने पास लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट होते हैं अपने पास रे में अपने पास वन डायरेक्शन वन साइड में अपने पास चलती है जैसे वन साइड की तरफ एरो होगा और लाइन में दोनों साइड एरो होगा तो ये देखो अपने पास इनफाइनाइट बनेंगे ऐसे एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं ऐसे बी पार्ट में अपने पास टू गिवन पॉइंट टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइनें पास होंगी अपने पास ये पॉइंट हो गया एक पॉइंट जैसे अपने पास ये हो गया तो ये इन दोनों को हमने मिला दिया अब एक लाइन ही बन सकती है अपने पास दूसरी लाइन बनाएंगे तो वो लाइन ऐसे बनाएंगे तो इस लाइन इस पॉइंट से पास नहीं होगी और इस पॉइंट से बनाएंगे तो यहाँ से पास नहीं होगी अगर ऐसे लाइन बनाएंगे तब वन पॉइंट से पास होगी और यहां से हम बनाएंगे तो वन इसी एक पॉइंट से तो दोनों पॉइंट से वो पास होनी जरूरी है तो ऐसी एक ही लाइन बनेगी अपने पास जो इस पॉइंट से अपने पास पास हो सकती है तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे ओनली ओनली वन लाइन कैन पास ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट ये टू गिवन पॉइंट अपने पास टू गिवन गिवन पॉइंट इससे अपने पास वन लाइन ही पास हो सकती है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास एक ही लाइन पास, पास होगी अपने पास आप क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ मूव ऑन करते हैं आप क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन फाइव में अपने को एक ड्रॉ एक रफ फिगर ड्रॉ करना है और जो अपने पास कुछ केसेस दिए गए हैं जैसे ए पॉइंट अपने पास पॉइंट पी लाई ऑन ए बी पी है ना अपना पॉइंट ए बी पे अपने को क्या करना है लाई करना है उनके बीच में होना चाहिए कहीं भी ऐसे एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एम पे सी पॉइंट अपने पास लाइन एल कंटेंस ई एंड एफ बट नोट डी लाइन एल लेनी अपने को ई एफ पॉइंट शो करनी है लेकिन वो डी पॉइंट इस लाइन पे नहीं होनी चाहिए डी वाला अपने पास ओ पी लाइन एंड ओ क्यू दोनों लाइनें मीट कर रही हैं मिल रही हैं एक दूसरे पे, ओ पॉइंट पे। तो पहला है इसमें फिफ्थ में पहला पार्ट देखते हैं हम पॉइंट पी लाई ऑन ए बी इसका रफ डायग्राम बनाना अपने को कोई भी तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी सेंटीमीटर का ले सकते हो आप ये ले लिया हमने ये अपने पास ए बी पॉइंट हो गया ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट अब ए बी पॉइंट पे पी पॉइंट है वो क्या करता है लाई कर रहा है कोई भी पी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं पी पॉइंट ये इनके बीच में लाई कर रहा है ये अपने पास फर्स्ट का आंसर ऐसे अपने पास एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं एट पॉइंट एम पे इसके लिए हम लाइन एक कैसे बनाएंगे अपने पास एक लाइन ये हो गई एक लाइन ऐसे बना लेंगे हम ये देखो अपने पास इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से अपने पास ये एक पॉइंट हो गया ये एक्स और ये वाई लाइन हो गई ये पी और ये क्यू पॉइंट हो गए अपने पास लाइन का साइन अपने पास ऐसे होता है दोनों साइड जो चलती हैं और ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एम पे ये एम पे एक्स वाई ये लाइन हो गई पी क्यू ये लाइन हो गई अपने पास इंटरसेक्ट मतलब काटना यहाँ पर कर रही हैं एट पॉइंट एम पे एम पे अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नोट डी कोई लाइन है अपने पास एल कोई भी लाइन बना सकते हैं एल ये जैसे अपने पास एल लाइन हो गई कंटेन ई e एंड एफ इस लाइन पे अपने पास कोई दो पॉइंट अपने पास जैसे ये हो गया एक लाइन ये ये पॉइंट अपने पास ई हो गया ये पॉइंट अपने पास एफ और ये अपने पास लाइन थी एल इसका नाम है एल बट नो डी इसके बीच में कहीं भी डी नहीं है इसके टच में भी नहीं है और इसके इसके बीच में नहीं है और इसके पास में भी नहीं है थोड़ा सा दूर बना देते हैं यहाँ पे अपने पास इस लाइन पे नहीं होना चाहिए यहाँ बना सकते हैं यहाँ बना सकते हैं यहाँ कहीं भी बना सकते हो डी पॉइंट तो ये अपने पास डी पॉइंट हो गया कहने का अर्थ है लाइन है अपने पास ये लाइन एल है कंटेन है कंटेन का ई एंड एप ई एंड लाइन एक लाइन है अपने पास इस पर ई पॉइंट है ए पॉइंट है बट नोट डी ये जो डी पॉइंट है वो ई और एफ के बीच में लाइन नहीं कर रहा ये कोई साइड में अपने पास ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है तो ये अपने पास डी पॉइंट अब डी पार्ट इसका ओ पी एंड ओ क्यू मीट कर रहे हैं एट ओ पॉइंट पे तो अपने पास कोई भी एक लाइन ओ पी बना लो ऐसे ये अपने पास ओ पी लाइन इसका नाम लिख देते हैं ओ पी इसको ऐसे बनाते हैं लाइन बनाते हैं ओ क्यू कोई भी लाइन और हमें मीट करना भी लाना एक दूसरे को तो जैसे यहीं पर मिला देते हैं एक लाइन ये इधर से आई अपने पास ऐसे ये लाइन आई ये अपने पास ओ और क्यू ये पॉइंट अपने पास ओ इस लाइन पे आके वो क्या कर रही है मीट कर रही है दोनों यहाँ पे आके मिलेंगी तो ओ पी एंड ओ क्यू कोई पॉइंट है वो ओ पे क्या कर रही हैं मिल रही हैं तो ये पॉइंट यहाँ ना लिखे यहाँ ठीक है ये पॉइंट ओ पी और ओ क्यू और ओ पे क्या कर रही हैं मिल रही हैं तो ये पॉइंट ज़्यादा ठीक नहीं है ये हमने लिख दिया ओ पॉइंट तो ओ पी एंड ओ क्यू इस पॉइंट पे आके मिल रही है। ये पॉइंट ओ है अपने पास इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होता है कंप्लीट अब क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सिक्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास इसमें अपने को ट्रू और फॉल्स दे के बतानी हैं कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ ए लाइन एम एन से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर एक अपने पास फिगर दे रखा है इसमें अपने पास टोटल के तक पॉइंट दे रखे हैं पॉइंट ए है इसमें अपने पास क्यू एम ओ एन क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन ए लाइन एम एन क्या अपने पास Q M O N R पॉइंट है लाइन M N पे ये अपने को बताने Q M O N R पॉइंट देखो लाइन M N पे देखते हैं M N और ये लाइन अपने पास M N है ये लाइन M और N ये लाइन M N है ये लाइन अपने पास इसमें अपने पास बताने Q M Q M O N ये सभी देखो इस पे पॉइंट इसी लाइन पे पॉइंट है तो यस अपने पास ही क्या हो गया ट्रू हो गया ये ट्रू हो गया अपने पास टू इसके बाद हम बी पाल बी वाले पार्ट देखते हैं एम ओ एन आर पॉइंट ओ ने लाइन सेगमेंट एम एन क्या एम ओ एन कोई पॉइंट अपने पास आर पॉइंट है ओन ए लाइन सेगमेंट एम एन पे हैं क्या देखते हैं एम एन पे अपने पास ये अपने पास लाइन है और इसमें एम ओ एन एम ओ एन हाँ तीनों इसी लाइन के अंदर हैं तो यस ये भी ट्रू हो गया टू सी वाला पार्ट देखते हैं इसमें एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट एम एन एम एन की क्या एम और एन एंड पॉइंट हैं तो ये एम और एन ये लाइन हो गई अपने पास यहाँ से यहाँ तक इसके बताने अपने पास क्या ये एंड पॉइंट हैं देखो यहाँ पे एंड पॉइंट है क्या एम ये अपने पास इनिशियल जैसे इधर साइड में अपने पास लेफ्ट साइड में इसका एंड पॉइंट है और इधर राइट साइड में ये एंड पॉइंट है तो एम और एन दोनों एंड पॉइंट हैं एम और एन दोनों ही एंड पॉइंट हैं देखो यहाँ से इस लाइन को यहाँ पे हम रखते हैं तो ये अपने पास दोनों ही एंड पॉइंट होंगे तो यस ये लाइन सेगमेंट का एम और एन एंड पॉइंट है तो ट्रू हो गया एफ डी वाला ओ एंड एन ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ओ पी का ओ पी का क्या लाइन ओ और एन एंड पॉइंट है नहीं है एक साइड में अपने पास p है और एक साइड में एंड पॉइंट o है तो on का एंड पॉइंट नहीं होगा अगर on पूछते तो o और n दोनों एंड पॉइंट हो जाते लेकिन यहाँ पे तो अपने पास एक साइड तो ओ है एंड पॉइंट दूसरी साइड अपने पास p होता है इसका एंड पॉइंट अब क्वेश्चन नंबर e वाला तो ये फॉल्स हो गया अपने पास फॉल्स अब e वाला देखते हैं m इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन एम इज वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू ओ का क्यू और ओ का क्या ये एंड पॉइंट है क्यू ओ का एम एंड पॉइंट है नहीं है ये तो बीच में आ रहा है इन दोनों के बीच में एम लाई कर रहा है तो एंड पॉइंट या तो ओ होता या फिर क्यों होता तो ये भी अपने पास फॉल्स हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एब वाला एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी क्या एम रे ओ पी पे है ओ और पी पे एम पॉइंट है क्या नहीं है ओ पी रे ये अपने पास दो एक पॉइंट से स्टार्ट हो के और वन डायरेक्शन के ओर चलते हैं रे बोलते हैं हम और यहाँ से ये रे स्टार्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में एम नहीं है कहीं भी तो ये भी अपने पास फॉल्स हो गया ऐसे जी वाला रे ओ पी रे हो गया अपने पास ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी क्या ये डिफरेंट है क्यू पी से ओ पी से और क्यूँ पी क्यू अपने पास क्यों पी हाँ ये डिफरेंट है ये यहाँ से एंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया इधर साइड में चल रहा है एक ही डायरेक्शन में और यहाँ ये यहाँ से यहाँ चल रहा है तो ये डिफरेंट है तो ये हो गया अपने पास ट्रू अब रे ओ पी इज़ सेम रे अपने पास दे रखा ओ पी इज सेम एज रे ओ, ओ एम दोनों एक ही साइड जा रहे हैं कि देखो ओ एम रे अपने पास है ओ पी ये देखो यहां सबसे पहले ओ पी को देखते हैं ये ओ पी रही ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और अपने पास ओ एम ओ एम इधर डायरेक्शन में आ रहा तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई दोनों की तो ये हो गया अपने पास टू एक डायरेक्शन में नहीं ये तो फॉल्स आई वाला देखते हैं रे रे ओ एम रे अपने पास ये ओ एम है ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी ओ पी ये बोल रहे हैं कि अपोजिट ओ पी का अपोजिट नहीं है ओ एम ओ एम ये इधर आ रहा अपने पास और ओ पी ये इधर जा रहा है तो नहीं ये अपोजिट है इसका क्योंकि एक डायरेक्शन अपने पास लेफ्ट साइड में आ रही है और ये डायरेक्शन अपने पास इधर जा रही है ओ एम अपने पास लेफ्ट साइड में आ रहा है और ओ पी अपने पास राइट साइड में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए और इसने बोला है कि नहीं अपोजिट यस है अपोजिट तो ये हो गया फॉल्स जेब में अपने पास पॉइंट अपने पास ओ इज नॉट ए इनिशियल पॉइंट ओ पी ओ पी का क्या ओ इनिशियल पॉइंट है ओ और पी का ओ इनिशियल पॉइंट है हाँ यस ये इसका इनिशियल पॉइंट है लेकिन इसने बोला है, नहीं है यहाँ पे है ओ पी का ओ इनिशियल पॉइंट है और लास्ट वाला तो ये फाइनल पॉइंट होता है ये इनिशियल है अपने पास और क्वेश्चन में बोला है कि ओ इज़ नॉट ए इनिशियल पॉइंट ओ पी का ओ है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है होगा तो ये हो गया फॉल्स लास्ट वाला के पार्ट अपने पास एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एन इज द इनिशियल ये एन अपने पास ये इनिशियल पॉइंट है एन पी का एन पी का एन और पी का ये अपने पास एन और ये पी एंड एन एम का हाँ दोनों साइड ही हम एन पी से साइड स्टार्ट करेंगे एन से पी तक ये इनिशियल पॉइंट हो रहा है और इधर हम एन से फिर अपने पास पूछ रहा है एम तक एन से एम तक ये अपने पास रे रह आ रही है तब ये इनिशियल पॉइंट है क्योंकि एक बार ये इधर साइड आ रही है तो इनिशियल पॉइंट हो गया ये इधर से राइट साइड में जा रही N एन से पी तो ये भी इनिशियल पॉइंट हो गया तो यस ये इनिशियल तो पॉइंट है तो ट्रू ये हो गया अपने पास ट्रू के साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स होता है अपना कंप्लीट अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए